नमस्ते जी, वैदिक राज में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है राजा अपनी प्रजा को अपने गर्भ में रखे। आज इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन परिचय के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करें। धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं, विषय की ओर चलते हैं। वेद के अनेक मंत्र स्पष्ट संकेत देते हैं कि राजा का चुनाव प्रजा अपने में से किसी योग्य व्यक्ति को चुनकर करें। योग्य व्यक्ति भी ऐसा हो जिसके पास अतुलित साहस, प्रेम शक्ति हो, वह सबसे प्रेम करने वाला हो, सबका आदर करने वाला हो, सब प्रकार के प्रशस्तियों को पाने की उसमें शक्ति हो, प्रजा को अपनी संतान के समान स्नेह देने वाला हो, शत्रुओं से सबकी रक्षा करने में सक्षम हो। इस तथ्य का प्रकाश हमें महाभारत के शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्म पर्व के अध्याय 16 में किया गया है। इस अध्याय के श्लोक संख्या 44, 45 तथा 46 में अवलोकनीय हैं, जो जिस प्रकार हैं। भवितव्यं सदा राजा गर्भिणी सधर्मणा, कारणं च महाराज शृणु येनेदमिष्यते, यथा हि गर्भिणी हिताय स्वयं प्रियाय मनोनुगमः, गर्भस्थ हिता मध्यते तथा राज्ञा संशयम्। वर्तितव्यं कुरु श्रेष्ठा सवा धर्मनुवर्तिनः, स्वयं प्रियं तु परित्यज्यत् यद यत्तो लोकहितं भवेत्। महाभारत शांति पर्व, राजधर्म पर्व, अध्याय 16, श्लोक 44, 45, 46। महाभारत के श्लोक कहते हैं कि प्रत्येक राजा को गर्भिणी माता के समान होना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण देश, संपूर्ण राज्य उसके अंतर्गत आने वाले कारण उसकी प्रजा भी उसके अंदर आ जाती है। इसीलिए या राज्य की सीमा उसकी गर्भ होती है, तो प्रजा उसके गर्भ के निवास करने वाले शिशु के समान होती है। जिस प्रकार माता अपने मन में सब भावों को छोड़कर केवल और केवल अपने गर्भस्थ शिशु का ही ध्यान करती है, उसके हित को अपना हित मानती है, माता अपने गर्भ में पल रहे बालक के सुख सुविधा का सदा ध्यान रखती है, उसके भरण पोषण की व्यवस्था करती है, अपने गर्भ में पल रहे शिशु को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देती, इस अवस्था में शिशु का कष्ट जो है उसका अपना कष्ट होता है। अब उसके जीवन का एक ही उद्देश्य रह जाता है, वह होता है कि गर्भ में पल रहे शिशु को सुरक्षित रखना, उसे किसी प्रकार के रोग कलेश से दूर रखना, उसकी रक्षा अपने लिए कष्ट की चिंता भी ना करना अपने, और किसी प्रकार का उसका जो है चिंतन बन जाता है। राजा जब अपनी प्रजा को अपने गर्भ में धारण कर लेता है, उसे अपने गर्भ के शिशु के समान समझ लेता है, तो वह भी इस प्रजा की रक्षा को अपना प्रमुख कर्तव्य समझता हुआ, उसके लिए सुखों की व्यवस्था करते हुए, उसके कष्टों को अपना कष्ट समझता हुआ, उसके सुखों का विस्तार करने के लिए अपने राज्य में उत्तम शिक्षा की व्यवस्था करता है, उसके लिए रोगावस्था में उपचार के लिए औषधालय की ऐसी उत्तम व्यवस्था करता है कि जिसमें सब प्रकार की दवाइयाँ निःशुल्क अथवा नाम मात्र के मूल्य पर मिलती हों। बुरे लोगों से रक्षा के लिए पुलिस थानों की व्यवस्था करता है। किसानों की सहायता करते हुए उन्हें अधिक से अधिक उत्तम प्रकार के अनाजों की उत्पत्ति के लिए प्रोत्साहित करता है। किसानों द्वारा उत्पन्न किए गए इस धान्य को जन जन तक पहुंचाया जावे, इसके लिए वह उत्तम मंडीकरण की अथवा उत्तम व्यापारियों व्यवस्था करता है। यदि कभी किसी प्रकार की कमी अनुभव हो, अभाव अनुभव हो, तो विदेश से भी इस सामग्री का आयात करता है। किसी विदेशी शत्रु के आक्रमण की आशंका होने पर अपने राज्य में सदा ही उत्तम सैनिकों की व्यवस्था करता है, शत्रु को मार भगाने में सक्षम हो। इस प्रकार वह अपनी प्रजा को धन धान्य संपन्न करने में अपनी खुशी का अनुभव करता है। इस प्रकार के सब कार्य ठीक उसी प्रकार के होते हैं जिस प्रकार गर्भस्थ माता अपने गर्भ में पल रहे शिशु के लिए किया करती है। इसीलिए कहा गया है कि राजा अपनी प्रजा का पालन गर्भस्थ शिशु के समान करता है। राजा अपने सब अमोद प्रमोद को त्याग देता है, अपने कष्टों की चिंता नहीं करता, अब वह केवल और केवल जनहित को ही अपना हित मान लेता है, सदा ही जनहित के कार्यों में लगा रहता है। जनहित ही उसका प्रमुख कर्तव्य हो जाता है, जनहित ही उसका कार्य हो जाता है, और जनता का हित ही उसका व्यापार हो जाता है। इस कार्य में जितनी उसे सफलताएं मिलती है, उतनी ही वह प्रसन्नता का अनुभव करता है, उतना ही यश सब ओर से उसे मिलता है। इस कारण हितकारक कर्मों के कारण ही उसका यश बढ़ता है, उसकी कीर्ति दूर दूर तक जाती है। यश और कीर्ति को ही वह प्राप्त करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहता है इसको, क्योंकि वह जानता है कि राजा की सफलता का कारण उसकी यश और कीर्ति ही होती है।
जो उसे प्रजा से प्रेम करने पर मिलती है। इसीलिए वह इस प्रकार के कार्य करता है जिससे प्रजा उससे अधिक अधिक प्रेम करे और उसके यश की चर्चा सर्वत्र हो जाए। राजा गर्भिणी वत व्यवहार करे, इस बात की चर्चा यजुर्वेद के मंत्र संख्या 12-23 में भी बड़ी सुंदर की गई है। जब राजा वेदानुसार प्रजा का पालन करेगा तो निश्चित ही उसका यश बढ़ेगा, उसकी कीर्ति बढ़ेगी और वह अपने पद पर एक लंबे अंतराल तक स्थिर रहेगा। अर्थात राजा की जो महत्वपूर्ण क्वालिटी होती है, जो गुण होता है, वो ये होता है कि वह अपनी प्रजा को अपने गर्भस्थ, जिस प्रकार एक माँ जो है गर्भस्थ शिशु की रक्षा करती है, उसकी चिंता करती है, और फिर 9 महीने वो सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही चिंतन, एक ही विचार, एक ही ध्यान बन जाता है। जिस प्रकार एक ध्यानी का ध्यान बनता है वैसा, कि गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा करना है, उसका ध्यान रखना है, और उसका पूरा ध्यान कह सकते हैं कि एकाग्रता की अति जो होती है, हद होती है, या एकाग्रता की जो पूर्ण अवस्था होती है, वो माँ को प्राप्त होती है उस शिशु के रूप में। उसका पूरा ध्यान उस शिशु पर होता है, और जन्म के बाद भी शिशु के पूरा ध्यान माँ का शिशु पर होता है। वो उसको देखते ही समझ जाती है चीज़ों के बारे में उसकी। तो ऐसी परिस्थिति राजा को भी अपनी प्रजा के लिए उत्पन्न करनी होती है। राजा अपनी प्रजा के लिए जब ऐसा महसूस करने लगता है, वो अपने सारे सुखों का त्याग करके और जब प्रजा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देता है, उसी के लिए सोचने विचारने लगता है, उसके लिए उत्तम कार्य करने लगता है, तो उसे यश और प्रसिद्धि प्राप्त होती है, और इसी प्रकार की अच्छी यश प्रसिद्धि के लिए वह कार्य करता है। इसी के साथ इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन परिचय के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करें। धन्यवाद।